फ्रेंड्स हम आए हैं मेरा बन्ना और मैं आपको उनका था लंदन से भी तो आता हूँ अभी और ये मॉल थी एंट्रेंस सर यहाँ से तो आप बस में आएंगे तो यहाँ पे याद है यहाँ से रहते हैं और ये यहाँ से ऊपर जाने का फूल छोटा रास्ता है सही है और ये मेन एंट्रेंस है उनकी ना अदर में इनकी एंट्रेंस सीन है ये सबसे पहली है ये ऊपर पिज़्ज़ा कंपनी है और ऊपर मैकडॉनल्ड्स है और ये पूरा बहुत बड़ा आइकिया है आइसक्रीम शॉप है ये यहाँ से वहाँ से हो रहा है और ये बहुत बड़ा ऊपर से जा रहा है आइकिया बहुत बड़ा आइकिया ये और भी दिखाता हूँ आपको ये नहीं मैंने आपको बताया था ये बच्चों का प्ले एरिया है और ये नमाज पढ़नी जगह है मतलब यहाँ पे हर मॉल में एक अच्छी बात है प्रेयर रूम अलग से होता है आप मुसलमानों का भी यहाँ पे ख्याल किया गया है ये प्रेयर रूम बना हुआ है आप यहाँ पे वजू खाना भी होता है और यहाँ पे आप आराम से नमाज पढ़ें और अपने उद्योग हैं मॉल पर इस तरीके से इस मॉल की तीन एंट्रेंस है और हम अभी पहली एंट्रेंस आए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर मॉलों की तीन या चार एंट्रेंस होती हैं और ये मॉल में एक खासियत है ये मॉल मेन हाईवे पे उतरते थे और मैदा बन्ना जो है वो बैंकॉक और पताया के रास्ते में वो है ये दूसरा दरवाज़ा इधर और हम इस साइड चलेंगे ये साइड पूरी फूड कोर्ट है और ये चाइनीज न्यू ईयर चला हुआ है यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर दूसरे हुए जमाना भेज दिया और इनकी न्यू ईयर चली रही है बावलो हैं बावले बडलॉल वगैरह और यहाँ पे फूड कोर्ट है यहाँ पे फूड कोर्ट है और यहाँ पे फूड कोर्ट है सही है और चलिए फिर मैं आपको अंदर से तो आता हूँ पहले मैं आपको आज़ादी दिखा दूँ
ये दिए जाए तो इन्वेंटेड, तो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, तो या आपके फ्रेंड हो, मतलब आप बीवी हो, बीवी डीवी अपने उसको यहाँ पे लाइए बिठाइए और प्यारी प्यारी बातें दीजिए, आधे पीछे मत देखिए, देखने वाले तो आपको देखेंगे, मगर आप बेशरम बन जाइए उस टाइम पे। और मैं आपको अंदर विजिट करवाता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैं अंदर से। यहाँ पे KFC भी है, पिज़्ज़ा भी है, KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, पिज़्ज़ा कंपनी भी है। और यहाँ पे बड़ी बात यह है, यहाँ पे असल में यहाँ पिज़्ज़ा हट बहुत कम है, अदब पिज़्ज़ा कंपनी ने टेक ओवर किया हुआ है और इसलिए पिज़्ज़ा कंपनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए हमारी पाकिस्तान में पिज़्ज़ा मैथ ने टेक ओवर किया हुआ है। हाँ, पिज़्ज़ा कंपनी बहुत है पाकिस्तान में, चाइनीज से तो ही है बुद्धा। और हम दोबारा यहाँ पे यहाँ से एंटर जाते हैं मॉल पे। ये मीटर का सामान मिल रहा है यहाँ पे, तीसरी और सबसे बड़ी, तीसरी और सबसे लास्ट एंट्रेंस है। और सब आप बता रहे हैं मॉल की तीन एंट्रेंस हैं, इस मॉल की ये तीसरी और सबसे लास्ट एंट्रेंस है। और यहाँ पे आधे पीछे हर तरफ आपकी आप उर्दू में बोलो शराब खाने, मतलब इंग्लिश में बोलो बाहर, यहाँ पे आधे पीछे में फाउंटेन भी चल रहे हैं। यहाँ पे भी फाउंटेन चल रहा है, वहाँ पे भी फाउंटेन चल रहा है। और ये ऊपर जाएंगे फोटो डाले आप, और ये था हमें यहाँ पे बड़ा ट्रेन भी मिल गया। और ये बड़ा दिन जो है यहाँ पे हलाल है बड़ा दिन। और यहाँ पे KFC भी है, पिज़्ज़ा हट KFC भी है, मैकडोनल्ड भी है, और पिज़्ज़ा बड़ा दिन भी है। और बिस्सी ऐसा है जैसे जैसे हमारी इम्तियाज हो गया, और हाँ इम्तियाज हो गया, इम्तियाज बोल सकते हैं आप, तो ये थाईलैंड का इम्तियाज है। यहाँ पे आप तो दोस्ती मिल जाएगी, आप तो हर चीज़ मिल जाएगी, ये बिस्सी यही होता ही है। यहाँ पे आप तो खाने पीना सामान हर चीज़ मिल जाएगी, और इस तरीके से देखिए यहाँ का मूवी थिएटर है। और ये दोबारा फोटो डाल दिया, असल में ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। एक मैंने आपको बाहर फोटो दिखाया था, एक गिरा सामने ये दिखा दी मैंने आपको, सही है। ये मूवी थिएटर है, मूवी थिएटर में यहाँ हर मॉल में मूवी थिएटर होता है। और यहाँ पे इस मूवी थिएटर में अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है सुल्तान, नहीं है पठान, वो यहाँ पे लगी हुई है, इतने लगी हुई नहीं, लगी हुई नहीं, लगी हुई वहाँ से। और यहाँ पे आए आप सीट बुक कर लें, यहीं से लगी हुई है।
तरीके से। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और आप यहाँ पर देखा यहाँ पर बड़े बड़े बैंड हैं और बड़े बड़ी चीज़ें हैं और यहाँ पे बर्दिन है और जेफ्टी है, पिज़्ज़ा हट है और शॉपिंग करने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और ये इस मॉल की एक खासियत है, ये मॉल जो है हाईवे के सेंटर में, मतलब मेन हाईवे है उसके सेंटर में मॉल है और ये बहुत बड़ा मॉल है। सेम लाइक शीतर है था उससे वो वाली है। एक्चुअली हम सेम टू सेम तो नहीं हो सकते, मतलब बराबर है, मतलब अच्छा इतना दुखता है। और मुझे उम्मीद है आपको ये मॉल अच्छा लगाया। और इसमें बॉलिंग भी है, मूवी थिएटर भी खाया मैंने आपको, मूवी थिएटर हर उसको होता है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग चला गया। फिर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।